नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 25 नवंबर, कल के सेशन में अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो सभी जगह पे हमने गिरावट देखी है। हमने इंटरनेशनल में डॉलर में भी गिरावट आती हुई देखी, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई सभी में हमने गिरावट भरा दिन देखा है। खास करके यूएसडी की बात करें तो प्राइसेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम 73.90 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश की पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं हमने देखा वैक्सीन के चलते जो कंसर्न्स या अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं विक्स इंडेक्स में भारी गिरावट है। विक्स इंडेक्स की गिरावट के चलते इक्विटी मार्केट में रैली है और डॉलर भी 92 के करीब पहुंच चुका है, जो 2 साल के लो पर पहुंच चुका है। इनकेस अगर 92 का लेवल ब्रीच होता है तो एक बड़ी बिकवाली हम डॉलर इंडेक्स में आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा काफी ज्यादा ओवरबॉट है। तो इनकेस अगर इक्विटी मार्केट में कुछ भी करेक्शन ले लेता है तो कहीं ना कहीं हम यूएसडीआईएनआर में एक बड़ा जंप आते हुए देख पाएंगे। तो टेक्निकली 74 के ऊपर बाइंग करके ही चलना चाहिए यूएसडीआईएनआर में। वहीं यूरो में भी हमने देखा डॉलर के थोड़े बहुत जो बाउंस आने की कोशिश कर रहा है बार बार, जिसके चलते यूरो में दबाव जरूर है। डेटा पॉइंट भी कोई खास ऐसा एक्टिव नहीं है, बट ओवरऑल लोअर लेवल से यूरो को सपोर्ट मिल रहा है। तो अनलेस एंड अंटिल 1.20 के ऊपर यूरो नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी 1.18 से 1.20 के बीच में ट्रेड करेगा। पर डोमेस्टिक मार्केट में 88.20-88.30 का जो रेंज है, इस रेंज पे आने पे हमें विपाली करके चलनी है, जो 87.40 तक का लेवल दिखा रहे हैं। ओवरऑल एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो कहीं ना कहीं यूरो पे प्रेशर लाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पाउंड की बात करें, वैक्सीन की न्यूज के चलते हमने पाउंड में एक बार थोड़ा बहुत डॉलर में जब आया था पाउंड में थोड़ी गिरावट जरूर बढ़ी थी, बट ओवरऑल हमें लगता है कि पाउंड में धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी। जिस ढंग से ब्रेक्सिट को लेकर और वैक्सीन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, उसका पूरा बेनिफिट हमें लगता है यूके में मिलता हुआ दिखाई देगा। कल नो डाउट हमने गिरावट जरूर देखी है, बट आज की ओपनिंग काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर 99 का लेवल अगर पाउंड में तोड़ देता है तो हम 99.40 के लिए ले सकते हैं। वहीं जेपीवाई में भी हमने देखा कि प्राइसेस में कल गिरावट थी, 71 के नीचे होल्ड करना थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर रहेगा, जो करीबन 70-60 तक का लेवल दिखा सकता है। आज के सेशन में विकवाली करके चलेंगे 70-60 के टारगेट के लिए। डेटा पॉइंट में यूरो से आज कोई ज्यादा मेजर डेटा पॉइंट नहीं है, बट यूएस से अगर हम बात करें तो प्रीमियर जीडीपी के आंकड़े, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ड्यूरेबल गुड्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स ट्रेड बैलेंस, कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये सारे आंकड़े आने जो कहीं ना कहीं डॉलर पे थोड़ा दबाव ला सकता है। डॉलर की गिरावट के चलते बाकी करेंसीज में थोड़ा बहुत सपोर्ट आते हुए देख पाएंगे। चार्टिकली यूरो यूएसडी की बात करें तो पाउंड थोड़ा सपोर्ट पे है, जो 1.19020 तक दिखा सकता है, उस बाउंड पे हमें फिर से विपाली करके चलनी है। जबकि जेपीवाईएनआर में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है जो एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अगर 99.30 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो एक बड़ा उछाल हम देख पाएंगे, जो 101.50 तक का भी लेवल दिखा दे। जीबीपीआईएनआर पे आप ध्यान रखें, ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हम आप तक YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।